नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। निफ्टी एनालिसिस थोड़ा देख लेते हैं। कल मॉर्निंग 2 मार्च 2022 को कैसे बिहेव कर सकता है। बेसिकली अभी जो न्यूज ड्रिवन इवेंट ड्रिवन जो मार्केट हो गया है, इट्स मीन्स बिग चैलेंज टू आइडेंटिफाई स्पॉट द ओपनिंग एरियाज। तो इसीलिए हम लोग ये प्रिडिक्शन करने का कोशिश नहीं करेंगे कि ओपनिंग कहाँ पे होगा, लेकिन हम लोग ये कोशिश करेंगे कि अगर एक पर्टिकुलर लेवल पे ओपनिंग देता है, उसके बाद क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकता है, प्रोबेबिलिटीज क्या हो सकता है, एंड द प्रोबेबल सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। बेसिकली अगर हम अभी देखेंगे निफ्टी को आवरली चार्ट पे, इन टर्म्स ऑफ RSI, हल्का सा बुलिशनेस है। मींस अब अगर यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये जो RSI है, ये रेड लाइन को सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या नहीं, दिस रेड लाइन आई एम टॉकिंग अबाउट, सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या नहीं जाता है, और अगर नहीं जाता है तो क्या नीचे के तरफ आता है, वो प्रोबेबिलिटीज हमको देखना है या नहीं। मार्केट इज वेल डिवाइडेड बिटवीन द बुल्स एंड द बियर्स। बेसिकली द बियर्स ज्यादा हावी है क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 जस्ट अपने दरवाजे पे खड़ा है कि कब किधर क्या हो जाए, एंड पूरा का पूरा फुल फ्लेज्ड वर्ल्ड वॉर 3 लग जाए। अगर वैसा होगा तो मार्केट का तो गया भैंस पानी में। उस टाइम पे तो मीन्स काफी बॉटम आउट बोले तो काफी नीचे की तरफ जाने का प्रोबेबिलिटीज है। लेकिन जब तक, फिर भी जब तक वैसा सिनारियोज नहीं होता है, एंड जस्ट कबड्डी मैच होता है रशियन यूक्रेन के बीच में, कबड्डी मैच बोले तो तू 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 करके एक पार्टी आएगा, फिर दूसरा पार्टी तू 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 करके आएगा, लेकिन खास कुछ नहीं करेगा, तब तक मीन्स मेजर कुछ होगा नहीं। जब एकदम बैंड बाजा भारत के साथ सब आ जाएंगे एक दूसरे से लड़ने के लिए, तब जाके एक क्वेश्चन होगा। अदरवाइज यहाँ पे आवरली चार्ट पे हल्का सा बुलिशनेस है, न्यूट्रल टू बुलिशनेस है। अगर हम डेली में देखने का कोशिश करेंगे डेली में, लेकिन ये अभी तक बुलिशनेस हुआ नहीं है। इसको अगर बुलिश होना है तो RSI जो है ये 50 पॉइंट्स के ऊपर जाना पड़ेगा, एंड ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, प्राइस हैज टू क्लोज अबोव दिस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, एंड उसके बाद वो जो कैंडल क्लोज करेगा उसके हाई के ऊपर फॉलो थ्रू देखना है, तभी जाके हम हल्का सा बुलिश बायस कर सकेंगे। लेकिन तभी तब तक हमें न्यूट्रल टू स्लाइट नेगेटिव ही इसको लेके चलना है, एंड इवेंट्स को मद्देनजर हमें ट्रेड करना है। अगर हम वीकली टर्म्स में देखेंगे, वीकली में भी स्ट्रेंथ कम है एंड RSI बिलो 50 है, तो जब तक ये 50 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, एंड रेड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं देता है, तब तक वीकली टर्म्स में ये सेल ऑप्टिक्स ही रहेगा। सो वीकली फिलहाल सेल ऑप्टिक्स है, डेली अभी भी बायस जो है हल्का सा सेल ऑप्टिक्स है, जब तक ये 50 के ऊपर नहीं जाता है, एंड ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं देता है। अगर हम आवरली में देखेंगे, ये यहाँ पे हल्का सा बुलिशनेस है, लेकिन हम देखने का कोशिश करेंगे प्रोबेबल सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस। और 30 मिनट्स का भी चार्ट अगर देखेंगे, यहाँ पर भी हल्का सा बायस जो है बुलिश की तरफ है। तो इसको हम और थोड़ा एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं। अभी प्रोबेबिलिटीज क्या हो सकता है कि ये एक साइडवेज ओपनिंग दे दे, साइडवेज इन बिटवीन आपका मान लीजिए 16,650 से 16,850, ये 200 पॉइंट के बीच में अगर क्लोज दे देता है तो क्या एक्सपेक्टेशंस है। उसके बाद अगर ये इस रेंज में ओपन देता है, यानी 16,350 से 16,550, उसमें क्या एक्सपेक्टेशंस होता है, एंड अगर ये 16,900 प्लस के ऊपर ओपनिंग देता है तो उस प्रोबेबिलिटीज में क्या हो सकता है। आइए हम उसी का
एक अध्ययन करने का कोशिश करते हैं। तो पहले देखते हैं कि ये अगर 16,650 से 16,850 के बीच में अगर ओपनिंग आता है तो हमें सपोर्ट्स आ जाएंगे आपके 16,620 से 16,630 एज द फर्स्ट सपोर्ट एंड व्हाइल द इमीडिएट रेजिस्टेंस इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 16,850 के आसपास। तो यहाँ पे हमें ये प्राइस सेक्शंस देखना है कि प्राइस ऑन 5 मिनट या 15 मिनट में इज इट मेकिंग लोअर हाई लोअर लो और इट इज मेकिंग हायर हाई हायर लो और इट इज मेकिंग ए ज़िगज़ैग मूवमेंट, मींस कभी हाई को तोड़ रहा है कभी लो को तोड़ नहीं पा रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो ये प्रोबेबिलिटीज के ऊपर ही हमें मार्केट को टैकल करना पड़ेगा। अगर लोअर हाई लोअर लो बनाते हैं तो हमको थोड़ा अपटिक में सेल के लिए इंट्राडे पर्पस सेल के लिए देखना है। अगर हायर हाई हायर लो बनाते हैं तो थोड़ा सा डीप में हमें उसको बाई करने का प्रोबेबिलिटीज कोशिश कर सकते हैं। अगर ये 16,350 से 16,550 के बीच में ओपनिंग देता है तो पहला सपोर्ट जो होगा ये जो पिन बार का लो है दैट इज योर 16,356 यानी 16,350 पकड़ लीजिए, दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी द फर्स्ट सपोर्ट एंड द सेकंड सपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी ये दिस पर्टिकुलर दैट इज 24 फरवरी का जो लो है दैट इज 16,200 से 16,250 के बीच में एक सपोर्ट होगा। वहां पर भी हमें प्राइस सेक्शंस को अच्छी तरह से देख के रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ट्रेड लेना है। अगर ये 16,900 एंड अबव में ओपनिंग देता है तो वहां पर हमें देखना है बेसिकली आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस हो जाएगा पहला वाला रेजिस्टेंस 16,920, देन 17,030 एंड थर्ड रेजिस्टेंस इज एक्सेप्टेड 17,180। तो मान लीजिए कि ये ओपनिंग देखिए हल्का सा ऊपर गया है एंड उसके बाद अगर यहाँ पे एक इन्वर्टेड पिन बार का टाइप का कुछ प्राइस एक्शन दिखता है 17,000 तो हम क्या कर सकते हैं, किसके लो के नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं और हाई का ऊपर हमें एक स्टॉप लॉस रख के 1:2 का एक इंट्राडे पर्पस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ ये न्यूज इतना हावी है, इतना नेगेटिव न्यूज हावी है कि ऑलमोस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लेयर्स आर बेटिंग निफ्टी डाउनवर्ड, लेकिन अभी जो आवर्ली एंड डेली में हल्का सा कॉशन है, हमें बॉटम को देखना है, कॉशन है एंड आपका ये जो क्या बोलते हैं इसको केयरफुली शॉर्ट को देखना है। जब तक ये जो 16,200 का जो लो है उसके नीचे 30 मिनट्स या एक घंटे का कैंडल क्लोजिंग नहीं देता है तब तक वी शुड नॉट लुक फॉर 16,000 राउंड एंड 15,850 एंड टिल दैट टाइम हमें थोड़ा सा न्यूट्रल टू अपवर्ड बायस में मैं पर्सनली खेलने का कोशिश करूंगा बिकॉज ये जब लेकिन इसमें प्राइस सेक्शंस को प्रेफरेंस देना पड़ेगा। व्हाट प्राइस सेक्शन, यही के लोअर हाई लोअर लो बना रहा है या हायर हाई हायर लो बना रहा है। अगर मेरे को लॉन्ग साइड से मेरा हल्का हालांकि मेरा बायस है लेकिन हम यहाँ पे हायर हाई हायर लो बनने का इंतजार करेंगे तभी जाके इसके ऊपर एक अच्छा सा कुछ ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे मंडे के दिन ओपन यहाँ पे हुआ, नीचे आया फिर ऊपर गया, यानी व्हाट इट इज मेकिंग आपका हायर हाई हायर लो। तो इस टाइप का हायर हाई हायर लो में एक पर्टिकुलर पॉइंट में आप लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं है, वी आर गोइंग विद अ सिंपल अप्रोच ऑफ प्राइस एक्शन अलोंग इट सर्टेन प्रोबेबल सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस।
आने वाले दिन में कोशिश करेंगे, कोई मेजर क्लियरिटी मिलता है तो डेफिनेटली अच्छा एक सेटअप देखने का कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।